गर्मियों में तो हम सबसे ज्यादा हिल स्टेशन ही घूमने के लिए जाते हैं। अगर आप भी बेस्ट हिल स्टेशन की तलाश में हैं, तो ये रहे मुंबई के नजदीक कुछ बेहतरीन हिल स्टेशन, जहां आप एक या दो दिन के ट्रिप के लिए जा सकते हैं। नंबर एक पे आता है लोनावला। पुणे और मुंबई के करीब पश्चिमी घाट की सह्याद्री रेंज में स्थित लोनावला महाराष्ट्र में सबसे अधिक देखे जाने वाला हिल स्टेशन है, और मॉनसून के दौरान पर्यटक यहाँ सबसे ज्यादा घूमने आते हैं। यहाँ आपको कई झरने, झीले, खूबसूरत पहाड़ियों के साथ कैंपिंग, ट्रैकिंग और अन्य एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए एक फेमस डेस्टिनेशन है। मुंबई से लोनावला की दूरी लगभग 83 किलोमीटर है। यहाँ पहुँचने में आपको लगभग 2 घंटे लगते हैं। दूसरे नंबर पर आता है खंडाला। खंडाला महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है, जो पश्चिमी घाट में सह्याद्री की तलहटी में स्थित है। खंडाला अपनी सुंदर घाटियों, हरी भरी पहाड़ियों, शांत झीलों और धुंध भरे झरनों की वजह से बेहद लोकप्रिय है। इस हिल स्टेशन का जिक्र आपने आमिर खान की गाने में भी सुना होगा, आती क्या खंडाला, जिसकी वजह से यह जगह और भी ज्यादा फेमस हो गई थी। मुंबई से खंडाला की दूरी 81 किलोमीटर है। यहाँ पहुंचने में आपको 2 घंटे का समय लगता है। तीसरे नंबर पर आता है पन्हाला। पन्हाला किला अपने उत्तर पश्चिम में स्थित कोल्हापुर के मुख्य शहर से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। यह जगह न केवल उन लोगों के लिए जरूरी है जो ऐतिहासिक स्थानों की खोज करना पसंद करते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो ट्रैकिंग करना पसंद करते हैं। यहाँ आपको प्रकृति की खूबसूरती के साथ साथ पन्हाला किला, पाराशर गुफा, अंबाबाई मंदिर, तीन दरवाजा, सज्जा कोटी, संभाजी मंदिर, सोमेश्वर टैंक, अंधार बाव और नायकिनी सज्जा जैसी जगह देखने को मिलेगी। मुंबई से पन्हाला किला 375 किलोमीटर दूर है। चौथे नंबर पर आता है मालशेज घाट। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित मालशेज घाट मुंबई के पास एक सुरम्य हिल स्टेशन है। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के बीच स्थित यह हरा भरा स्वर्ग पथरीली पहाड़ियों के साथ घुमावदार सड़कों और पहाड़ियों के नीचे कई संकरे झरनों का केंद्र है। अक्सर धुंध और सुहावना मौसम इस जगह को रोमांटिक बना देते हैं। यह स्थान विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों के लिए जाना जाता है, और साइबेरिया से आया यहाँ कई प्रवासी पक्षी जैसे गुलाबी पैरों वाले फ्लेमिंगो का घर भी है। मुंबई से ये जगह 126 किलोमीटर दूर है। पांचवे नंबर पर आता है रतनवाड़ी। पुणे के पास स्थित गांव रतनवाड़ी में आप अपना वीकेंड सेलिब्रेट कर सकते हैं। यहाँ प्रसिद्ध रतनगढ़ किला और अमृतेश्वर नामक लोकप्रिय शिव मंदिर है। यहाँ एक फेमस ट्रैकिंग स्पॉट भी है, जहाँ आप इस मजेदार गतिविधि का मजा ले सकते हैं। मुंबई के पास स्थित ये हिल स्टेशन अपने देहाती आकर्षणों के लिए जाना जाता है। यहाँ आप अमृतेश्वर मंदिर, रतनगढ़, आर्थर हिल झील, संधन घाटी घूम सकते हैं। मुंबई से ये हिल स्टेशन 177 किलोमीटर दूर है, जहाँ आपको 5 घंटे का समय लगता है। छठे नंबर पर आता है सूर्य महल। सूर्य महल इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, जो महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित है। ये चोटी जितनी छोटी है उतनी ही खूबसूरत भी है। लोगों के बीच बेहद लुभावने दृश्यों के लिए ये एक लोकप्रिय जगह है। इस जगह को आप पहाड़ी चोटी से देख सकते हैं। यह स्थान घाटियों और हरे भरे जंगलों से भरपूर है। अगर आप शांति वाली जगह पर जाना चाहते हैं, तो ये हिल स्टेशन आपके लिए परफेक्ट है।
मुंबई से सूर्यमल 141 किलोमीटर पर स्थित है, जिसमें आपको 3 से 4 घंटे का वक्त लगता है। और 7वें नंबर पर है तोरणमल। तोरणमल महाराष्ट्र में प्रकृति की गोद में बसा एक पहाड़ी शहर है और प्रकृति के सर्वोत्तम तत्वों से सुशोभित है। मौसम, हरा भरा वातावरण, शांत झीलें और झरनों के साथ साथ कई मानव निर्मित चमत्कार दर्शकों को बेहतर आकर्षित करते हैं। तोरणमल वनस्पतियों और जीवों की किस्मों से भरा पड़ा है। तोरणमल मुंबई से 459 किलोमीटर दूर है, जहां आपको पहुंचने में 9 घंटे का समय लग सकता है। यह आप यशवंत झील, आवास बाड़ी पॉइंट, सनसेट पॉइंट, चेक डैम, कॉफी गार्डन, गोरक्षनाथ मंदिर, लोटस लेक, 7 स्टेप व्यू पॉइंट, सीता खाई और नागार्जुन पॉइंट का नजारा देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये 7 हिल स्टेशन आई होप आपको बहुत ही पसंद आए होंगे। अगर ऐसे ही वीडियो आप लोग चाहते हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ उसके साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो अपलोड करूं और वो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि बहुत लोगों को भी पता चले। तो आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।